ज्यादा हिटन दी तो पहाड़ बाटूंगा। येलो पेंट है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ले लूँ, मजाक कर रही हूँ। और इस साइड भी लगा हुआ है। दगड़ियों नमस्ते प्रणाम। पहला सबसे पहले आप सभी को मेरे दिल से राधे राधे। मैं वैष्णवी उत्तराखंड देवभूमि की इन सुंदर सुंदर वादियों से आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी गाने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर से आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है काफी वाला अच्छे दिन से, क्योंकि आज लगी हुई है बहुत ही अच्छी सी धूप। एक बार आप धूप के नज़ारे देख लीजिए। हो रही है आज की हमारी सुबह की शुरुआत और अंदर हो रही है खाने पीने की तैयारी, क्योंकि आज हमारा स्कूल है और कल से मेरी एग्जाम है शुरू। तो आज हमारा हाफ डे है, जिस वजह से मैं स्कूल से थोड़ी जल्दी आ जाऊंगी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो उसके आगे हमारा ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। फिलहाल अभी मैं दही वरी को झाड़ रही हूँ, तो वही आप देखिए आज के ब्लॉग में। और हाँ, आज के हमारे ब्लॉग में ना आप एंड तक ज़रूर बने रहे। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। पापा भी निकाल रहे हैं अपनी बाइक को और हमारी बाइक अभी यहाँ पे से जाएगी बाहर। तो कुछ इस प्रकार से पापा भी इसे निकालेंगे बाहर की तरफ को। और काफी ब्यूटीफुल से सनशाइन आई है पूरे हमारे घर के अंदर तक। और पापा के माध्यम से गाड़ी को ले जाया जा रहा है नीचे की ओर। ये आप देखो कितनी सारी स्पेस यहाँ पे खाली हो चुकी है। सो अब मैं भी चलती हूँ अंदर, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा बहुत काम करना है। और जीवो को देखते हैं क्या कर रही है। सभी इन्वर्टर पे है तो फटाफट से हम अपने कमरे को सही करते हैं, उसके बाद उसका मेकओवर करके मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। फाइनली मैंने पूरा बिस्तर एकदम चकाचक कर दिया है। बनाए जा रहे हैं गरम गरम घी के पराठे, हमारी बना रही है। तो ये सब किसके माध्यम से बनाए जा रहे हैं? मम्मी के माध्यम से, है ना मम्मी? ब्रेकफास्ट और जीविका के लिए उसका लंच है ना मम्मी। दोस्तों अब हम अपने अगले काम की ओर बढ़ते हैं। तो अगला काम, मैं आ चुकी हूँ स्कूल से कुछ ही देर पहले। मैंने अभी कपड़े वगैरह चेंज करे और अभी मैंने जैसे कहा था कि आगे का ब्लॉग कंटिन्यू होगा, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे हम एक गाड़ी खड़ी है। तो इस गाड़ी को मतलब ये गाड़ी क्यों खड़ी है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ना ये गाड़ी इसलिए खड़ी है क्योंकि हमारे घर पे आज हो रहा है पेंट, मतलब बाहर से पेंट हो रहा है और वो हो रहा है बाहर। तो चलिए एक बार हम चलते हैं बाहर की ओर। और यहाँ पे ना पूरा का पूरा येलो पेंट है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ले लूँ, मजाक कर रही हूँ। और इस साइड भी लगा हुआ है। तो अब ये मतलब डार्क कलर है येलो में, तो ये थोड़ा सही लगेगा। तो बहुत ज़्यादा लाइट था और वो एक ही बारिश में ना उखड़ भी गया था,
तो ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये ना कलर्स भी बहुत ज़्यादा इनमें कॉम्बिनेशन किया गया है। मेरे को तो लग रहा है उन्होंने पूरा पानी पानी ही मिलाया होगा। और वो देखो भाई आसमान में क्या गिद्ध उड़ रहे हैं अभी। मैं ये भी हो जाएगा पूरा। और सुबह से आज पापा भी घर ही पे है, इनको मतलब देख रहे हैं काम वगैरह। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये देखो हनुमान जी, जय श्री राम। मम्मी ना निरीक्षण कर रही है। अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लिखा गया है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। फिरा रहे हैं क्या? हाँ दादी निरीक्षण करने आ रही है देखने के लिए। और अभी दादी के घर पे भी होने वाला है। क्या हो रहा? दादी आपके घर पे भी होने वाला है ना? है? आपके घर पे भी होगा ना? हाँ हाँ हाँ। फिर दादी के घर भी दिखाएंगे हम आपको। हमारा घर पर भी होगा, तुम्हारा घर पर भी, जगह जगह होगा यार। इस कार में ना एक यूनिक चीज लिखेगी, यहाँ पे आगे से साई राम लिखा है, उसके बाद बाबा खाटू श्याम लिखा है, उसके बाद हनुमान जी भी लिखे हुए हैं, और उसके साथ साथ ये देखिए हनुमान जी बने हुए हैं। जय श्री राम। गाना सुनाएगी दादी, गाओ। अरे क्या गाना गाओ यार, थुमक थुमक जब हिटंदी तो पहाड़ बाटो। गाना गाते गाते चलो, थुमक थुमक वाला। थुमक थुमक जब हिटंदी तो पहाड़ बाटो, अरे तू पहाड़ बाटो। क्या गाना बोलूं यार, मेरे को तो आता नहीं है कुछ बोलना। मैं के घर पे देखो हमसे मिलने आ रहे हैं। आप लोग सोचेंगे मैं किसी ट्रांसपोर्ट से जा रही हूँ, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं जा रही हूँ अभी पैदल, और अभी मुझे चलते चलते काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब उतना भी नहीं लगेगा, यहीं पे है, मतलब यहीं पे भी नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेटली मेरे को 15 मिनट्स लग जाएंगे। और अनिक भी आ चुके हैं, अनिक है ना, और इनके बैग देखो मेरे पास दे रखे हैं इन्होंने, इतने गंदे बच्चे हैं। इधर देखो हनी जिया। हनी आपके मुंह पे क्या और खाएगी? वाइट वाइट क्या और खाए? चौक से खेलते हैं आप स्कूल में? कली आ ले, हनी आप भी दिखाओ।